गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये मॉर्निंग का समय है, लगभग 5:30-6 हो रहा है। मम्मी का स्नान वगैरह सब कुछ हो गया और ये संडे है, तो संडे को मम्मी सूर्य पुराण पाठ करती है। मेरे पास भी ये सूर्य पुराण है और इस सूर्य पुराण का काफ़ी महत्व है। आप लोग कहेंगे तो मैं इसके बारे में चर्चा किसी वीडियो में करूँगी। इतना अधिक महत्व है और ये पुत्र के लिए ये होता है पुराण, सूर्य पुराण। तो यहाँ पर मम्मी का नहाना और पूजा वगैरह हो गया है, लेकिन मैं सोकर उठी तो मैंने देखा मम्मी पूजा कर रही थी। और बताइए, एक दो दिन में मम्मी जाने वाली है तो मुझे कैसा लगेगा, कितना मम्मी सुख देती है। और यहाँ पर मम्मी का पूजा वगैरह हो गया है, व्रत वगैरह करके चाय भी हम लोगों का हो गया है। तो फिर मम्मी ने कहा चलो रोज़ रोज़ तो तुम, जब मैं नहीं रहती हूँ तुम करती हो, आज मैं कर देती हूँ। तो ये छाली को मिला रही है, और ये जो बेसन मिलाने वाला होता है मेरे पास दूसरे तरीके का था, लेकिन मम्मी ने उस दिन मार्केट में ये ख़रीदा था। छोटी छोटी कई चीज़ें ऐसा मम्मी ने ख़रीदा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। काम करने के दौरान आपको सब एक एक करके देखने को मिल जाएगा। तो इससे मम्मी ने कहा कि बिल्कुल इजीली हो जाएगा। और फ्रिज में ठंडा पानी डाल दिया था, और सच मानिए तो पहले जैसे मैं करती थी तो उसमें भी लगभग 150 ग्राम के आसपास हर हफ्ते घी निकल जाता था, क्योंकि मैं ज़्यादा दूध नहीं लेती हूँ, 1.5 kg या 2 kg लेती हूँ और उसमें मलाई वाला बाबू को देती हूँ, फिर जो बचता है उससे निकालती हूँ। तो आप समझ सकते हैं, फिर भी अगर एक हफ्ते में 150 ग्राम के आसपास निकल रहा है, मैं समझती हूँ बहुत निकल रहा है। यानी एक हफ्ते में बाबू उतना खा भी नहीं पाता है तब तक मैं दूसरा निकाल लेती हूँ। तो सच में फिर मम्मी ने कहा मुझे कि तुम करके देखो, देखो कैसे करना है। और मुझे लगता था कि ये सिर्फ बेसन मिलाने के लिए ही सूटेबल है, और मेरे पास दूसरे तरह का था। लेकिन सच मानिए, पता नहीं कितने में मम्मी ने लिया है, मुझे लगता है शायद 40 रुपया में लिया है। लेकिन ये इतना इजीली इससे हो रहा था, मैंने भी करके देखा। अभी यहाँ मैं कर रही हूँ तो मैंने जब करके देखा तो मुझे भी आसान लगा, और पूरा अच्छे से इसका सारा क्लिक क्रीम मिल गया था। फिर मम्मी ने कहा अब इस तरह से करके देखो, और मतलब ये समझिए कि आती है। मैं जाती हूँ, मैं तो वहाँ का वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन वो आती है मम्मी। तो एक बार और जनवरी में आई थी जब सासू माँ का तबीयत ख़राब हुआ था, तो उस समय ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। अभी इस बार आई है तो मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये मम्मी एक बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी दे रही है, और ठंडा पानी देने के बाद जितना आपको दिख रहा था ये सारा का सारा, इसको आप ये कह सकते हैं नेनू इसको कहते हैं। ये जो छाली होता है उसको तो आप मलाई कहते हैं, लेकिन जिससे घी निकलता है उसको नेनू कहते हैं। और ठंडा पानी डालने के बाद सारा का सारा ये जो नेनू है जिससे घी निकलता है, ये बिल्कुल एक साइड में जमा हो गया था। तो और अभी बाबू भी सोया है, ये भी सोए हैं, तो पहले मम्मी जग जाती है। और हॉल है, गेस्ट रूम है, बेडरूम है, तो मम्मी अपना नहा वहा के पूरा रेडी हो जाती है, सवेरे नहाती है। और ये आदत बिल्कुल अच्छा है, हम लोगों से ये नहीं हो पाता है, लेकिन ये आदत अच्छा है। तो अब मैं क्या करूँगी, सीधा इसको मैं चढ़ा दूँगी। जब तक ये उठाएंगे, नाश्ता की तैयारी में लगूँगी, तब तक मैं इस घी को बिल्कुल गर्म कर लूँगी। और ये जो जाली वाला है चना वगैरह का ओकरी, अगर जिस तरह के आप भिंगोते हैं तो अंकुरित करने के लिए अगर आप टिफ़िन में पैक कर देंगे तो इसमें बिल्कुल तेज़ी से अंकुरित ये हो जाता है। और ये भी टिफ़िन मम्मी ही लाई थी, लेकिन इस बार नहीं, पिछले बार जब आई थी या शायद भाई के द्वारा भिजवाया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मम्मी एक ऐसा चीज़ मतलब यूज करती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे क्या क्या यूज करती है। और अभी देखिए ये कितना निकला, और घी भी लगभग 100-150 ग्राम के आसपास निकल गया था। और ये भी मम्मी ने ट्रिक बताया था कि जो वो जला हुआ बचता है वो कम कैसे बचे, तो इसको ठंडा पानी से बार बार धोने के लिए कहा था, और जब लास्ट होने लगता है तो कैसे चम्मच से दबा दबा के उसको चलाना होता है। तो ये सब ट्रिक भाई बड़े जो होते हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उनके पास बहुत जानकारी होती है। तो ये सब काम हम लोगों ने, और बिल्कुल सवेरे उठती थी, एक राउंड मम्मी का चाय हो जाता है मम्मी के साथ, फिर ये लोग उठते हैं, फिर हम लोग बिस्किट वगैरह खा के, फल वल खा के दोबारा चाय बैठ के बात करती हूँ। और मैं दो बहन हूँ तो मेरी जो जीजा जी हैं, जीजा जी के साथ कभी मम्मी बात नहीं करती है, कभी जीजा जी के सामने भी नहीं आती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो सबसे बोलने वाले हैं, वो सबसे बात करते हैं। तो हम लोग सब साथ मिलकर साथ बैठ कर चाय वाय भी पीते हैं, मम्मी भी बैठती है, मेरे पिताजी भी, मेरे ससुर भी। तो
यहाँ पर मैंने कढ़ाई में इसको चढ़ा दिया है और बिल्कुल काम कम आँच कर दूँगी। और उसके बाद क्या करना है, वो जो मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा था वो मसाला रखने वाला जो पॉट था, तो वो मैं यहाँ पर जितना देर ये होगा, मम्मी थोड़ा थोड़ा चला रही है इसको क्योंकि ये बैठना नहीं चाहिए, और जितना देर में ये होगा तब तक मैंने वो सारा चीज़ धुल लिया था जो मसाला रखने वाला था, एक एक डब्बा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर काम मैं दूसरे के सहारे करूं। पहले तो आप लोगों ने देखा है सारा काम मैं खुद करती थी और अभी फ़िलहाल आती हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, लेकिन ये सारा मैंने तब तक धो लिया, सारे ढक्कन को धो लिया। और मेरा बेटा भी बहुत मदद करता है, इसको मैंने बालकनी में डाल दिया था, तो आप देखिएगा मेरा बेटा कैसे मुझे हेल्प किया है लास्ट में। और यहाँ पर ये देखिए, अभी जो पिछले हफ्ते का घी है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस हफ्ते के लिए मैंने एक बोतल निकाल लिया है, और जो बर्तन था यानी कि जो शाम में धुला हुआ था वो बर्तन साइड में रखा था, और सुबह चूँकि दुकान में मैंने फ़ोन किया था, अलग से मिक्सचर मंगाया था, एक दूसरे कैटेगरी का, दो तीन तरह का मिक्सचर होना चाहिए, अलग अलग लोग आते हैं, कोई तीखा खाते हैं कोई नहीं, तो सुबह का कुछ सामान आया था, दूध आया था, मिक्सचर आया था, दही आया था, तो ये मिक्सचर मैं यहाँ पर धोकर यानी सैनिटाइज करके रखी हूँ। और ये देखिए इतना घी निकला, और ये जो निकलता है उसका आप लोग जो भी कहिए बचा हुआ जो होता है उसको भी आप, ये पहले का इतना बचा हुआ है अभी, इसको भी अगर आप चूड़ा फ्राई करके इसमें डालकर खाइए, गुड़ वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तीन चार पाँच बॉटल मैं इस तरह से रखी हूँ छोटा छोटा, और हर हफ्ते चेंज करते जाती हूँ, ख़त्म होते जाता है करते जाती हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा और ये सोकर उठ गए, मेरा बेटा तो बिस्किट वगैरह खा लिया है, और यहाँ पर मैं अनार का जूस बना रही हूँ जो कि मुझे इनको देना है। पहले एक गैस का दवाई देना होता है खाली पेट, उसके बाद कुछ दो बिस्किट, अरारोट वाला बिस्किट होता है वो, उसके बाद अनार का जूस देती हूँ क्योंकि अनार का जूस भी गैस करता है, तो इनको अनार का जूस देने के बाद फिर चाय के प्रोसेस में लगूँगी। और इधर जो आप प्लेट में देख रहे हैं कुछ कुछ पीला उजला ये वो, तो जो डब्बा मैंने खाली किया मसाला वाला, तो प्लेट में सारा सामान रख लिया, एक साथ सारा डब्बा धोकर रख दूँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा कैसे हेल्प कर रहा है, ये मुझे लगता है लगभग दोपहर का ही समय होगा जो कि मेरा बेटा इसको सबको एक एक करके ढक्कन लगा रहा है। और मैं वीडियो बना रही थी तो बोल रहा था बिट्टू तुम वीडियो बना रही हो, मुझे बिट्टू बोलता है, माँ नहीं बोलता है। तो खाना पीना हो गया था, दोपहर का समय था, और विवाह आ गई थी, साफ़ सफाई कर रही थी, तो ये आज संडे था, संडे का मैंने अपना रूटीन कुछ शेयर किया। तो चलिए मैं अब मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।